सर हमारे 3 महीने हो गई है आंगनवाड़ी की सहायिका है हम लोग, लेकिन हमारी तनख्वाह नहीं आई है। हम इसी तनख्वाह पे हमारा घर गृहस्थी सब चलाते हैं और हमारा तो दूसरा कोई जरिया ही नहीं है कि हम फिर वो 3 महीने से हम लोग मतलब ब्याज से पैसा लेके हमारे घर चला रहे हैं हम लोग। विभाग के लोगों का क्या कहना है? विभाग के लोग बोल रहे हैं आगे बजट नहीं है। बजट सिर्फ आंगनवाड़ी वालों के लिए नहीं है। लाली बहना को पैसा दे रही है ना सरकार, लाली बहना को 1250 दे ही रही है सरकार, तो हमारे लिए बजट क्यों नहीं आता? दूसरी योजनाओं के लिए बजट आता है सरकार के पास, तो हमारे लिए कोई बजट नहीं रहता। और मैं खुद किराए के मकान में रहती, 2 महीने का किराया हो चुका मेरा 5000 रुपये, कहाँ से कितना उठा पटक करूँ? मेरे भी बच्चे हैं, सब कुछ चलाना पड़ता है। अब 5000 रुपये पेमेंट मिलती है, अगर वो पेमेंट भी टाइम से नहीं आएगी तो हम कैसे क्या करेंगे? महिलाओं का घर चलाना मुश्किल हो गया हमारा। महिलाओं का ही शोषण हो रहा है आंगनवाड़ी में, सभी महिला ही है। हम तो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। कितने महीने से नहीं मिला है? 3 महीने हो गए, 3 महीने किया है बराबर, तीसरा महीना ये अभी हुआ है, इससे पहले भी ऐसा हुआ था। वो तो हर साल के बजट में मतलब आंगनवाड़ी का ये काम होता है, हर साल के बजट में यही हाल है। सिर्फ आंगनवाड़ी वालों के लिए क्यों होता है भैया, यही बोलना है बस हम लोगों का। बजट सब चीज़ों के लिए रहता है सरकार के पास में, सिर्फ आंगनवाड़ी की सहायता कार्यकर्ता के लिए बजट यही रहता है, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी कौन सुनेगा, हम किसको सुनाएंगे? बस आइए मीडिया हमारे आधारित है ना, वही आधारित है।